आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आए हुए एक न्यूज के बारे में। बिहार के पुलिस अफसरों के साथ उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर स्थायी तौर पर तैनात नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तबादले के बाद भी वरीय पुलिस अफसर उसी बॉडीगार्ड और ड्राइवर को अपने साथ रखें जो पहले से उनके साथ थे। पुलिस मुख्यालय ने IG से लेकर DSP रैंक के अफसरों के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत सबसे पहले वैसे बॉडीगार्ड और चालक वापस किए जाएंगे जो दूसरे जिले या इकाई के होते हुए भी इन अफसरों के साथ प्रतिनियुक्त हैं। पुलिस मुख्यालय IG, DIG, SSP, SP और DSP रैंक के अफसरों के लिए आदेश जारी किया है। ये आदेश उनके बॉडीगार्ड को लेकर है। IG मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में इन पुलिस अफसरों को तत्काल वैसे बॉडीगार्ड वापस करने को कहा है जो दूसरे जिले या इकाई में पदस्थापित होने के बावजूद अफसरों के अंगरक्षक में पदस्थापित हैं। ये आदेश चालकों के लिए भी है, यानी जहां अफसर की पोस्टिंग है वहीं के चालक और बॉडीगार्ड होने चाहिए। विशेष परिस्थिति में मिलेगी इजाजत दूसरे जिला और पुलिस इकाई में तैनात बॉडीगार्ड और ड्राइवर रखने के लिए IG रैंक तक के अफसरों को पुलिस मुख्यालय से अनुरोध करना होगा। ऐसा विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। लिखित अनुरोध और कारणों पर विचार करने के बाद पुलिस मुख्यालय निर्णय लेगा। बगैर लिखित अनुमोदन के ये पुलिस अफसर मनचाहे बॉडीगार्ड और चालक नहीं रख सकते। इसलिए जारी हुआ आदेश पुलिस मुख्यालय को बॉडीगार्ड और चालक के संबंध में यह आदेश यूं ही जारी नहीं करनी पड़ा है। इसकी वजह अधिकारियों द्वारा तबादले के बावजूद पुराने अंगरक्षक और चालक को साथ रखना है। कई अफसर वही बॉडीगार्ड चाहते हैं जो पहले उनके साथ तैनात हैं। ऐसे में तबादले वाले जगह पर वे अंगरक्षक और चालक की प्रतिनियुक्ति करा लेते हैं। बिहार पुलिस ऑफिसर गार्ड एंड ड्राइवर से तरह जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।